नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम पालक पनीर की सब्जी माइक्रोवेव में बनाएंगे। माइक्रोवेव में पालक पनीर बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द बन जाता है। तो आइए देखें, पालक पनीर की सब्जी माइक्रोवेव में बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हमने 500 ग्राम पालक लिया है, मोटे डंडे हटाकर पत्ते निकाल लिए और पालक को डूबते हुए पानी में दो बार अच्छे तरीके से धोया और छलनी में रख लिया। पानी सूखने तक पालक को सुखा लिया है। 200 ग्राम पनीर है जिसे हमने 1 सवा इंच के टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। 4 टमाटर, 2 हरे मिर्च, 2-3 टेबल स्पून क्रीम, 2 टेबल स्पून तेल, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ या 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट ले लेंगे, 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। पालक पनीर की सब्जी माइक्रोवेव में बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को माइक्रोवेव करेंगे। तो पालक को हम माइक्रोवेव सेक प्याले में डालेंगे। और ढक करके 4 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। जब तक पालक माइक्रोवेव हो रहा है तब तक हम ये टमाटर और हरी मिर्च को पीस करके तैयार कर लेते हैं। 4 मिनट हो गए हैं और अब हम पालक के प्याले को बाहर निकालते हैं। पालक उबल करके तैयार हो गया है और अब हम पालक को पीसेंगे। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए पालक तब हम इसे पीसते हैं। और जब तक हमारा पालक ठंडा होता है तब तक हम पालक के लिए मसाला भून करके तैयार कर लेते हैं। माइक्रोवेव सेफ प्याला ले लेंगे और प्याले में हम तेल डाल देंगे। प्याले को हम माइक्रोवेव में रखेंगे और 2 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, प्याला बाहर निकालेंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे और 2 मिनट के लिए हम फिर से प्याले को माइक्रोवेव में रख करके जीरा भूनेंगे। दो मिनट हो गए हैं, प्याला बाहर निकालेंगे, और अब हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक का पेस्ट मिक्स करेंगे और ये टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट भी इस मसाले में डाल करके मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। और अब हम प्याले को माइक्रोवेव में रखेंगे और मसाले को 3 मिनट तक माइक्रोवेव करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, प्याला हम बाहर निकाल लेंगे और अब हम मसाले में
एक पिसा हुआ पालक डालेंगे। नमक, चीनी, गरम मसाला और क्रीम डाल करके मिक्स कर देंगे। गैस पर हमें कढ़ाई में सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए सब्जी को पकाना होता है। यहाँ माइक्रोवेव में हम प्याला बाहर निकालते हैं और मिक्स करते हैं। और अब हम फिर से सब्जी को 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तीन मिनट हो गए हैं और अब हम प्याले को बाहर निकालते हैं। और अब हम ये पनीर डाल करके मिक्स करेंगे। और सब्जी को हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। एक मिनट हो गया है, प्याले को बाहर निकाल लेते हैं, सब्जी को दूसरे प्याले में निकाल लेते हैं। और सब्जी के ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम डाल करके गार्निश कर देंगे। पालक पनीर की सब्जी माइक्रोवेव में बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है और हमने क्रीम डाली है सब्जी में। अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहते तो क्रीम नहीं डालें। पालक पनीर की इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों को परोसी जा सकती है। पालक पनीर की सब्जी को चपाती, पराठे, नान या चावल के साथ परोसिए। आप पालक पनीर माइक्रोवेव में बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।